नमस्कार व्यूअर्स, मैं सेल्फ बीपी विश्वास। मैं आज थोड़ा सा ब्लॉग्स के हट के मैं थोड़ा कैमरा के ऊपर में थोड़ा सा चर्चा कर लूँगा, क्योंकि ये यूट्यूब खुलने से ना ये ब्लॉगर्स कैमरा के ऊपर में इतना भाषणबाजी करते हैं ना। मैं तो देखा हूँ एक कैनन के ऊपर में कम से कम 150 आदमी आके भिड़ जाते हैं एंड दे आर गिविंग द लेक्चर्स, कैसा बॉक्सिंग होता है, अनबॉक्सिंग होता है, उसके बाद ये देखो रे, वो देखो रे, ये देखो रे, इसमें ये दबाने से ये होता है, ये दबाने से ये होता है। लेकिन एक बार भी एक हमारा बंदा ये नहीं बोलता है कि इसमें शटर स्पीड क्या चीज़ होता है, उसमें शटर स्पीड का साथ एपर्चर का क्या रिलेशन है, अगर शटर स्पीड एपर्चर और उसके साथ आईएसओ क्या चीज़ होता है, और इसके बाद फोकल लेंथ क्या चीज़ होता है। ये जो सिंपल जो हमारा साइंस एक कहानी है, कैमरा का पीछे एक गल्पो है, कहानी है, वो क्या चीज़ है, वो कहानी थोड़ा सा नैरेट करें। हमारा वहाँ पर नया नया जो कैमरा चलाने वाला, हमारा पास भी जो कैमरा में मैं बात कर रहा हूँ वो हमारा M50 Mark II है, इस वहाँ पर दो चार कैमरा रखता हूँ। लेकिन कोई आदमी कैमरा लेके हैंडल करने जा रहा है तो जो एक्सपर्ट लोग हमारा मैं यूट्यूब में देखता हूँ, मैं सब PhD करके बैठा है, ऐसा दे आर गिविंग लेक्चर्स इन सच ए वे, बाप रे बाप, पागल हो जाता है। भाई आप ब्लॉग बना रहा है, पैसा कमा रहा है, वो सब ठीक है, आपको जगह में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो यू आर ऑल राइट, यू हैव एवरी राइट टू डू ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जिसको लेक्चर दे रहे वो थोड़ा समझ पाए, क्योंकि वो तो बड़ा कीमती वक्त कन्वर्ट कर रहा है, तुम कन्वर्ट कर रहे हो, वो बेचारी सुन रहा है, तो उसको सुनने जब है तो थोड़ा तरीके से सुनाओ ना भाई, उसमें रिलेशन फिलेशन क्या होता है। तो शटर स्पीड, शटर एपर्चर और फोकल लेंथ, मैं दो चार मिनट के लिए थोड़ा सा हमारा पीछे ब्लैक बोर्ड रहने से मैं थोड़ा सा तस्वीर रख के आपको दिखाने का मैं जरूर कोशिश करता, लेकिन सिंपल जो सेंस जो है ना, आप देखिए फॉर द बिगिनिंग माने न्यू कमर्स बिगिनर्स जो कैमरा हैंडल कर रहा है उसके लिए हमारा एक छोटा सा भाषण है। मेरा उम्र 70 ईयर्स है, आप थोड़ा सा आप अनमैच समझ जाएंगे, ये डोकरा हो चुका है, लेक्चर दे रहा है, लेकिन अगर वो सोच लिया तो सोच लीजिए, लेकिन सुन लीजिए, आप पूरा सुन लीजिए, आपको सब्सक्राइब करने का कोई दरकार फरकार नहीं है, अगर कर दिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सुनने वाला सुनेगा, जो देखने वाला देखेगा। कम टू द पॉइंट, शटर देखिए, हमारा दर्जा जानना में शटर लगा रहता है, तो खिड़की के जो शटर जब बंद रहता है तो लाइट कम घुसता है घर के अंदर में, अगर शटर खोल दिया तो ज़्यादा हमारा लाइट अंदर में आते हैं। तो शटर को बंद करने से और खुलने से कोई एक पर्टिकुलर जगह में लाइट ज़्यादा आता है नहीं तो कम आता है, ये आप ध्यान में रखिए। एपर्चर मैं सिंपल वे में बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, इसमें साइंस बाद में आएगा लेकिन इंसिडेंट पहले आएगा। शॉट एपर्चर, एपर्चर एक छोटा सा होल टाइप का है, वो भी आप खुल के रखिए, देखिए उसका अंदर से भी लाइट आते हैं। अगर कोई जगह में आप एक कांच लगा हुआ है बा कोई लकड़ी का शटर लगा है, उसका अंदर में थोड़ा सा एक होल कर दीजिए तो दैट इज़ कॉल्ड द एपर्चर। वो होल का अंदर से, और गलत मत सोचिए, HOLE, अंदर से अगर लाइट अंदर आ रहा है तो वो एपर्चर बोला जाता है। अभी आप शटर और एपर्चर, एक से ज़्यादा आलो होता है वो ज़्यादा आलो को स्क्रीन करके एपर्चर के अंदर में लिया जाता है। अगर ये जो रिलेशन जो आपको, ये आपको समझना पड़ेगा, शटर को जो स्पीड को अगर बढ़ा दिया जाए, शटर स्पीड को बढ़ गया है तो एपर्चर को घटाना पड़ेगा, इसीलिए शटर इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट विथ एपर्चर। शटर बढ़ाओ, एपर्चर कमाओ, एपर्चर को अगर बढ़ा दो, शटर को स्पीड को कम कर दो, ये चीज़ मुंडी में रखना पड़ेगा आपको। शटर ऑलवेज एपर्चर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, अगर शटर स्पीड को आप बढ़ाएंगे तो एपर्चर कम होगा,
आप देखिए कोई कैमरा कंट्रोल कर रहा है, शटर स्पीड को बढ़ा के रखिए, सबसे देखिए आपको एपर्चर को बढ़ा दीजिए, आपको पिक्चर ब्लूड होगी, आप देख नहीं पाएंगे। शटर स्पीड को फिक्स जो जगह में आप रखें उसी जगह में रखिए, उसके बाद एपर्चर को क्या करेंगे धीरे धीरे आप घटाते जाइए। देखिए एक जगह में आके आपको पिक्चर को बड़ा सुंदर आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखा दे रहे हैं। अगर फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए, एपर्चर को बढ़ा दीजिए और शटर स्पीड को कम कर दीजिए, धीरे धीरे शटर स्पीड को कम करिए, एपर्चर को बढ़ाइए, देखिए एक जगह में आके को बैलेंसिंग पिक्चर आ रहा है। ये आज तक आप इतना ही सुनिए, और जो कैमरा में पीछे जाके आपको लेक्चर देता है ये दबाओ, ये फोकल लेंथ का ये हटाने से, ये देखिए आजकल हमारा क्लिक थ्री, आपका क्लिक थ्री जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का कुछ प्रोफेसर निकाला था एक ज़माना में, उस ज़माना के लिए आज से 30 साल पहले बेस्ट था। उसके बाद ये 30 साल में एक रेनेसांस हुआ है कैमरा जगत में, हमारा इंडिया में 1000 कैमरा आ गया है, SLR कैमरा, सिंगल लेंस रोटेशन हमारा चालू हुआ था SLR कैमरा, उसके बाद DSLR कैमरा आया, उसके बाद अभी मिररलेस कैमरा आया। मिररलेस कैमरा में क्या होता है, DSLR कैमरा में क्या था, वो हमारा डायरेक्ट हमारा पास नहीं आता था भाया, रिफ्लेक्शन होके आता था, और ये हमारा मिररलेस में क्या हो रहा है, ये हमारा डायरेक्ट आप आईपीस में पीछे आप जब देख रहा है फ्रंट लेंस का थ्रू से डायरेक्ट आपको छवि तस्वीर खींचा जाता है। उसके लिए अलग से टेक्नोलॉजी है, आप इतना दूरी जान के रखिए। और ISO ऐसा चीज़ है, ISO अगर घटाएंगे तो आपको अंधेरा आ जाएगा, अगर बढ़ाएंगे तो अगर आपको लाइट ज़्यादा आने लगेगा, तो ये है सेंट्रल कंट्रोलर। अगर एपर्चर को भी खुल के रखा, शटर को भी खुल के रखा, आप ISO को से मूव करा के भी आप एक ऑटो है, ऑटो को छोड़ दीजिए, अगर मैनुअली अगर ये क्या है हमारा 0 से 16,000 अच्छा कैमरा में 25,000-26,000 तक लेके जाता है, जितना आप घटा के नीचे तरफ 100 के तरफ लेके आएंगे तो आपको ये अंधेरा जाएगा स्क्रीन के ऊपर में। ये धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे, मैंने हायर वैल्यूज के तरफ लेके जाएंगे तो आपको पूरा स्क्रीन के ऊपर में लाइट आएगा। आप तब देखिए वो शटर का साथ एपर्चर का साथ वो ऐसा बॉन्ड बनेगा, आप खुद ही सब कुछ तीनों मिला के आप कुछ कर सकता है। शटर को भी एपर्चर के साथ कम बेशी कर सकता है, अगर एपर्चर के भी शटर स्पीड के साथ कम बेशी कर सकता है, आप दोनों को स्टैटिक रख के ISO को मूव करा के भी आप पिक्चर को स्टेबल और सुंदर बना सकते हैं। तो इतना दूरी मैं बता रहा हूँ, और ये तीनों कॉन्सेप्ट को मुंडी में रखिए। उसके बाद जितना हमारा भाई लोग हमारा स्क्रीन के ऊपर में ब्लॉगिंग करता है, बार बार लेक्चर देता है PhD मैंने सोच के, तो उसके बाद भी सुन लीजिए, और कैमरा आपको जब सामने आ ही जाएगा वो उसके बाद 2-4 बार जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब पता चल ही जाएगा। धन्यवाद।